अजमेर जिले में 12 फरवरी को सारंगधारी यादव की अध्यक्षता में पूर्व में संचालित अनौपचारिक शिक्षा योजना में कार्यरत रहे तथा समायोजन हेतु उच्च न्यायालय इलाहाबाद में याचिका दाखिल करने वाले अनुदेशकों एवं पर्यवेक्षकों की जिला स्तरीय बैठक लालसा प्रसाद यादव के संचालन में आज रविवार को कुंवर सिंह उद्यान में सम्पन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए संघर्ष समिति के प्रांतीय महासचिव एवं जिलाध्यक्ष सारंगधारी यादव ने बताया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय एवं खंडपीठ लखनऊ से अनेकों याचिकाओं को निस्तारित करते हुए इन याचिकाओं को राज्य के किसी भी विभाग में नियुक्त करके नियमित वेतन भुगतान करने का आदेश पारित किया गया था, जबकि शासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके विरुद्ध सरकार के खिलाफ अवमानना के दर्जनों वाद दाखिल हुए, उनमें से कुछ की सुनवाई करते हुए कोर्ट द्वारा सरकार को कड़ी फटकार का सामना करना पड़ा। कुछ अवमानना की सुनवाई 14 फरवरी को होनी है, जिसमें प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा, अपर सचिव वित्त, विधि सचिव आदि उच्च प्रशासनिक अधिकारियों को कोर्ट में तलब किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि सिंगल बेंच के आदेश के विरुद्ध सरकार लखनऊ पीठ में स्पेशल अपील दाखिल की थी, जो खारिज हो चुकी है, जबकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में रिट नंबर 38477/2016 बालेन प्रसाद राय व अन्य में स्पेशल अपील 13 फरवरी 2022 को चीफ जस्टिस की कोर्ट में सुनवाई आदेश हेतु तारीख नियत है। ऐसे में शीघ्र ही अनुदेश को पर्यवेक्षकों का भविष्य उज्जवल होगा। बैठक में जिला संरक्षक कृष्ण मोहन उपाध्याय, लालसा प्रसाद, अशोक कुमार, विजय कुमार, अरविंद कुमार, ओम प्रकाश, गुलाब, हरिकेश, शंभुनाथ, सभाजीत, सम्य आलम आदि लोगों ने संबोधित किया और हर संघर्ष में एकजुट रहकर सहयोग की अपील की। बैठक में जिले के सैकड़ों अनुदेशक पर्यवेक्षक उपस्थित रहे। मेरा नाम सारंगधारी यादव, जिलाध्यक्ष, अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशक पर्यवेक्षक, वेलफेयर एसोसिएशन आजमगढ़, संघर्ष समिति का मैं प्रांतीय महासचिव भी हूँ। आज किन मुद्दों को लेकर बैठक हुई है? आज हमारे जनपद के उन तमाम अनुदेशकों पर्यवेक्षकों की बैठक बुलाई गई थी, जिन लोगों ने 2001 तक 1989 से 2001 तक विभिन्न चरणों में अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशक पर्यवेक्षक के रूप में कार्य किया था। 31 मार्च 2001 को योजना की समाप्ति होने के बाद हम लोग दर दर भटक रहे थे। 2005 में माननीय मुलायम सिंह की गवर्नमेंट जब थी तो प्रथम वरीयता के आधार पर बीएड और एलटी की अधिमानता को समाप्त करते हुए अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों को प्रथम वरीयता प्रदान की गई थी, जिसके आधार पर लगभग 28,000 अनुदेशक पर्यवेक्षक शिक्षा मित्र के पद पर चयनित हुए। एज एरिया और एजुकेशन का बाउंडेशन होने के नाते बहुत सारे अनुदेशक समायोजन से वंचित रह गए थे, जिनका संघर्ष चलता रहा। थक हार करके 2016 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में हम लोगों ने समायोजन हेतु याचिकाएं दाखिल किया, जिनका फैसला 21 अप्रैल 2022 को बालेंद्र प्रसाद राय कुशीनगर 38477/2016 की फाइल में आया, जिसमें स्पष्ट रूप से कोर्ट ने सरकार को आदेशित किया है कि इनके दीर्घकालीन सेवा और 20 वर्षों से अधिक समय की बर्बादी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार एक नीति बनाकर राज्य के किसी भी विभाग में इनकी योग्यता और पात्रता के अनुसार समायोजित करें और इन्हें नियमित वेतन प्रदान करें। लेकिन इतना समय बीत जाने के बाद भी सरकार द्वारा कोई ना तो नीति बनाई गई और ना तो कोई कार्यवाही ही शुरू की गई। थक हार करके हम लोगों ने कंटेम्प्ट दाखिल किया था। कंटेम्प्ट में सरकार को फटकारते हुए कोर्ट ने एक महीने का समय दिया है। सरकार इसके विरुद्ध स्पेशल अपील दाखिल कर दी है, जिसमें कल 13 फरवरी को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में चीफ जस्टिस की कोर्ट में हम लोगों का स्पेशल अपील की फाइल लगी हुई है सुनवाई के लिए। संभव है कि जिस प्रकार से सरकार द्वारा दाखिल स्पेशल अपील लखनऊ खंडपीठ से दो दो अपीलें खारिज हो चुकी हैं, उसी आधार पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जो लीडिंग फाइल में अपील सरकार की हुई है वह भी खारिज होगी और हमें उम्मीद है कि सरकार आगे और समय ना बिता करके, हमारी मांग भी है सरकार से कि अनुदेशकों पर्यवेक्षकों के इस दीर्घकालीन सेवा को देखते हुए कोर्ट के आदेश का अक्षरशः पालन करेगी और इन्हें जल्द से जल्द किसी न किसी विभाग में समायोजित करके इनकी रोजी रोटी का रास्ता साफ। विभिन्न सरकारें आईं 2001 से लेकर के अब तक, सब लोगों ने आश्वासन दिया। सैकड़ों माननीय विधायक और सांसद महोदय ने अपने लेटर पैड पर सरकार को लिख करके दिया कि इनका समायोजन न्यायोचित है, लेकिन सरकारें केवल आश्वासन देती रहीं और उनके आश्वासन की चक्की में हम सभी पिसते रहे, बेरोजगारी का दंश झेलते रहे और अब
सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी बिहार के अनुदेशकों परीक्षाओं के पक्ष में जब आ गया तो निश्चित रूप से हम लोगों को पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर हम लोगों के पक्ष में भी फैसला आएगा और सरकार को अंत में हम सभी को समायोजित करना पड़ेगा। इसके लिए अंतिम चरण तक हम सब लड़ाई लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए जो भी संवैधानिक रास्ता होगा उसे अपनाएंगे।